तालिबान ने नई फौज का ऐलान किया जिसने चीन और रूस को भारी टेंशन में डाल दिया। तालिबान ने एक खास बटालियन का निर्माण किया है जिसे उसने अफगानिस्तान से लगती चीन और तजाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया। तालिबान की ये नई फौज सिर्फ एक बटन दबाकर सैकड़ों को खत्म करने की क्षमता रखती है, जिसे देखते हुए चीन और रूस को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर तालिबान के लड़ाकों को रोकने के लिए क्या करे। जी हाँ, तालिबान ने देश की सीमाओं पर तैनात करने के लिए आत्मघाती हमलावरों की एक विशेष बटालियन बनाई है, खासकर बदखशा प्रांत में जो अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच की सीमा पर है। बदखशा प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि बटालियन का नाम लश्करे मंसूरी या फिर मंसूरी सेना है। तजाकिस्तान के साथ भारी तनाव। तालिबान ने अपने नए बटालियन की घोषणा ऐसे समय में की है जब तजाकिस्तान के साथ उसका विवाद काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और तजाकिस्तान ने किसी भी संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए अफगानिस्तान की सीमा पर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। तालिबान और तजाकिस्तान के नेताओं के बीच काफी तनाव भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंजशीर के नेताओं को तजाकिस्तान का समर्थन हासिल है जिससे तालिबान खफा हो गया है। तालिबान की मंसूर सेना से चीन और रूस को डर लगने लगा है। हालांकि इन दोनों देशों की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन रूस ने तजाकिस्तान और तालिबान के नेताओं को शांति से बात करने के लिए कहा है। रूस और चीन को डर है कि तालिबान के ये आत्मघाती हमलावर कहीं देश में न पहुंच जाएं। वहीं चीन को बुरी तरह से ये डर सता रहा है कि शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम भी तालिबान की राह पर चलते हुए आत्मघाती हमले न कर दें। लिहाजा चीन ने अफगानिस्तान से लगती सीमा पर भारी संख्या में जवानों को उतार दिया है